अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब। अब नीट और JEE की तैयारी होगी भिवंडी में ही। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल लेकर आए मुंबई के बेस्ट टीचर्स, जिनकी बेस्ट कोचिंग से GST के 11 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है। अब हर रोज मुंबई ट्रेवल करना और परेशानी झेलना हुआ बंद। बैचेस स्टार्टेड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। GST क्लासेस फॉर नीट, CET एंड JEE। पता है अबूजी आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट आयशा मेडिकल, नियर श्रीदेवी ज्वेलर्स, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। दोस्तों, भिवंडी राष्ट्रवादी पार्टी को लगा एक और झटका। इमाम अंसारी, जो कि कभी भिवंडी राष्ट्रवादी पार्टी में थे, उन्होंने अब शिंदे गुट शिवसेना में प्रवेश किया है। दोस्तों, ठीक 3 महीने पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल हुई थी। महाविकास आघाड़ी सरकार को झटका देते हुए शिवसेना के लीडर एकनाथ शिंदे ने बगावत कर BJP के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली थी, और उस दिन से आज तक हर रोज एकनाथ शिंदे अपना जनाधार बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं भिवंडी शिवसेना में भी बंटवारा हो गया और भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष सुभाष माने अपने संबंधों के कारण शिंदे गुट में शामिल हो गए। और फिर क्या था, एक के बाद एक भिवंडी शिवसेना के लोग धीरे धीरे शिंदे गुट में शामिल होते चले गए। और सिर्फ शिवसेना ही नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी के भी कई पदाधिकारी और कई कार्यकर्ता शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले राष्ट्रवादी पार्टी सचिव आसिफ खान, उन्होंने NCP छोड़ा, और उसके बाद ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेश माथे और बालिया मामा, उन्होंने NCP छोड़ा, और आज इमाम अंसारी, भिवंडी के जाने माने सोशल वर्कर, उन्होंने NCP छोड़ शिंदे गुट शिवसेना का दामन थामा है। आज दशहरा रैली के दिन अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, आज जिस तरीके से भिवंडी का वातावरण दिख रहा है, शिंदे साहब की एक दशहरा रैली है, और भिवंडी की जितनी भी आवाम है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलजुल कर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स इधर जा रही है शिंदे साहब की रैली के लिए, जिसके लिए सुभाष माने साहब हमारे शिवसेना के अभी अध्यक्ष है शिंदे गढ़ के, और जिन्होंने जिनके प्यार की वजह से इतनी भीड़ इतनी उमड़ी है। करीब करीब इधर 30 बस आई है और कम से कम 1000 से 1200 लोगों की संख्या इसके अंदर आप देख सकते हो। इधर से लेकर कम से कम बाईपास से लेकर फ्लोरा के और पीछे जहां अपना ब्रिज खड़ी है उधर तक कंटिन्यू बस खड़ी है, और कुछ बसेस आ रही है, कुछ 10-12 बसेस है और भी आ रही है। अरे भगवे हमसे रक्त तड़प तो तप्त हिंदवी बाणा, अरे भगवे हमसे रक्त तड़प तो तप्त हिंदवी बाणा, सात गोत्र अन धर्म आमुसा शिव से। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये जितनी भी पब्लिक है, ये सिर्फ और सिर्फ सुभाष माने साहब और शिंदे साहब की मोहब्बत में इधर आई है कि ये भिवंडी का कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहती है। कुछ लोग हैं जो हमें तोहमत लगा रहे, अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो ये भीड़ दिखा के पैसे की भीड़ दिखा के लोग लेके आए नहीं है। ये जितने भी लोग लेके आए ये सब अपने प्यार मोहब्बत से, और ये सबके आंखों में एक ही चीज है कि भिवंडी का कुछ ना कुछ चेंज हो जाए। इधर जितने भी लोग हैं, जितने भी नेता हैं, आप सभी लोगों को मालूम है कि ये फ्रेंचाइजी लेके बैठे हैं, और हम जो है शिंदे सुभाष माने साहब डायरेक्टली कम से कम आज आने वाले 3-4 महीने में इंशाल्लाह भिवंडी का कुछ ना कुछ वातावरण चेंज करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना। बात ऐसी है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक दो अढ़ाई महीना पहले इस महाराष्ट्र में हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब की सरकार आई है, और ये सरकार आने के बाद हमने और शिंदे साहब ने पूरा दावा किया था कि शिवसेना हमारी है, हम शिवसेना को बाला साहब के विचार लेके आगे चल रहे हैं, और उस माध्यम से आज दशहरा का मेला हुआ है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है ये इस बात की कि भिवंडी का जो इमाम भाई ने बताया, भिवंडी थाना के इतना नज़दीक, मुंबई से इतना नज़दीक होने बाद भी भिवंडी पिछड़ा हुआ है, और पिछड़ा हुआ भिवंडी को अगर आगे लाना है तो भिवंडी की आवाम ने ये सोचा है कि अभी अपने को शिंदे साहब के साथ में रहना है और भिवंडी का कुछ भला करना है। तो इमाम भाई का मैं खास शुक्रिया अदा करूँगा कि आज हमारे साथ में जुड़े। बहुत जल्दी उनकी एकनाथ शिंदे साहब के साथ मीटिंग भी होगी, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि आज जो हम लोग निकले हैं, सिर्फ आवाज़ दिया है, दो दिन पहले ही आवाज़ दिया है,
तो भिवंडी के नौजवान हिंदू मुस्लिम सभी हमारे साथ में, खास मैं मुस्लिम जो नौजवानों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने जो शिंदे साहब के ऊपर जो प्यार जताया है और ये ताकत आपने खड़ी की है, ये ताकत ऐसी अपने शिंदे साहब के साथ में हम लोग खड़ी करेंगे और भिवंडी का कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पे करेंगे और भिवंडी में एक अच्छा भिवंडी शहर बनाने की कोशिश करेंगे। इतना ही आज के दिन कहूँगा।